चाइनीज माने से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लोग परेशान हैं। अगर आप हैं 12वीं पास या हैं ग्रेजुएट तो करें ऐसा कोर्स जिससे मिल सके नौकरी। आज ही ज्वाइन करें MIMT इंस्टीट्यूट, शौकत अली रोड, नियर HDFC बैंक, रामपुर। लोग घायल हो रहे हैं और लोगों का सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। लगातार घटनाओं से लोग तंग आ चुके हैं, बिलासपुर गेट से लेकर और बरेली गेट और माल गोदाम तक, और उसके अलावा यहाँ शबाद गेट रोड, नोवा रोड, यहाँ पर चाइनीज़ माने से लगातार लोगों की गर्दनें भी कट रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, पतंगबाजी की वजह है जो ये चाइनीज़, और चाइनीज़ माजा बिक क्यों रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइनीज़ माजा जो इतना ख़तरनाक माजा है उसको बैन लगाना चाहिए, बिकना चाहिए। पतंगबाजी एक अलग चीज़ है, लेकिन चाइनीज़ माजे से मेरी अपील है उन पतंगबाजों से भी कि चाइनीज़ माजे से बिल्कुल ना उड़ाएँ, क्योंकि चाइनीज़ माजा इतना ख़तरनाक है कि वो किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। कोई जा रहा है अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने, या कोई जा रहा है अपने बच्चे को स्कूल से लेने, या कोई जा रहा है शॉपिंग करने, या कहीं जा रहा है स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पे या बाइक पे या साइकिल पे, या कोई मजदूर जा रहा है, या कोई भी जा रहा है, तो उसके किसी वक्त भी लग सकता है और उससे घटना हो सकती है। और कई इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और लगातार आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। हमारा अनुरोध है कि चाइनीज़ माजे पे मुकम्मल बैन लगना चाहिए। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि चाइनीज़ माजे पे मुकम्मल बैन लगना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई, देखिए चाइनीज़ माजा बिकने से रुकना चाहिए और उड़ने से रुकना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जनता के हित का काम है और जनता के फायदे का काम है, और जनता इससे परेशान है, तो इसको देखते हुए उस पर कार्रवाई होना चाहिए।